नमस्कार, मैं हूँ यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। 19 जुलाई को साहित्य की लंबी विरासत छोड़ कवि नीरज चल बसे। उनकी पुण्यतिथि पर दिल्ली में एक समारोह आयोजित हुआ। हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो दो बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण से। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। कवि नीरज स्मृति वंदना के मौके पर बॉलीवुड के जाने माने कवि सुरेंद्र शर्मा ने दिव्य भारत से खास बातचीत की। हिंदी साहित्य जगत के बड़े नाम और जाने माने कवि सुरेंद्र शर्मा अभी दिव्य भारत के साथ मौजूद है। महाकवि गोपाल राय नीरज के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हिंदी साहित्य, हिंदी सिनेमा, हिंदी कविता उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। शर्मा जी, आप बड़े व्यंगात्मक कविता पेश करते हैं मंच से, कई राजनीतिक पार्टियां आपसे नाराज भी होगी। किस तरह से बदला है हिंदी साहित्य जगत, हिंदी सिनेमा और हिंदी कविता? बदला तो पहले जा चुका, अब तो मर रहा है, अब उसमें प्राण नहीं बचे। क्योंकि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाई नहीं, तो क्या उससे उम्मीद करोगी कविता को जीवित रख। हिंदी तो लिपि मर रही है, सबसे बड़ी ये सोचने की बात है। आजकल अधिकांश बच्चे हिंदी को रोमन लिपि में लिख रहे हैं, हिंदी लिखनी पा ही नहीं रहे। मैं अपने पोते से 28 रुपए लिया था वाटर टाइप। जब हिंदी भाषी इलाके के बच्चों को 100 तक की गिनती नहीं आती है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कविता जीवित रहे। हिंदी बच जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बात। सुरेंद्र जी, आप राजनीति पर काफी व्यंग अपने काव्य में करते हैं, खुले मंच से करते हैं। अब ये वक्त आ गया है 2024 की तैयारियों का। एक और एनडी है और दूसरी और इंडिया है, किस तरह से देखते हैं? कोई कहते हैं, बड़े बड़े नामी गिनामी पत्रकार कहते हैं कि 2014 के बाद कुछ मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गए। आप एक ही बात है, आज पत्रकारिता खत्म हो गई है, पेटकारिता शुरू हो गई। हमें वो सोचना पड़ता है जो हमारा मालिक सोचता है, और हमारा मालिक वो सोचता है जहाँ वो बिका हुआ होता है। आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, बिके हुए लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे इस पार्टी को चाहे उस पार्टी। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, एक दिन पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगा। आपको इस पार्टी में कुछ ही मिला, उसमें चले जाओ, उसमें नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पर आ जाओ। May I ask something, sir? Yeah. It means three lalach. You are going to सुरेंद्र जी, वाजपेयी जी ने भरी संसद में कहा था कि अगर मुझे खरीद फरोख करनी पड़े तो ऐसी सरकार में नहीं चाहूंगा, मैं कहीं से पार्टी के लोगों को तोड़ कर। वाजपेयी जी ने ऐसा बोला? वाजपेयी जी ने जो भी बोला, मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ, इस देश में व्यक्ति का स्तर गिरा। जब व्यक्ति का स्तर गिरता है तो जो राजनीति में जाएगा उसका भी गिरेगा, धर्म में जाएगा उसका भी गिरेगा। व्यक्ति का स्तर उठ जाएगा तो हर एक चीज का स्तर उठ जाएगा, व्यक्ति के स्तर को उठा। शर्मा जी, ये थे सुरेंद्र शर्मा, हिंदी साहित्य जगत के बड़े जाने माने कवि, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा रुतबा, जो अपने मंच से जो व्यंग करते हैं उसको कोई चैलेंज तक नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि कई सारी चीजें बदल रही हैं और कभी न कभी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत। ये उनके शब्द हैं, चाहे व्यंग में हो चाहे हकीकत में। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, दिव्य भारत, नई दिल्ली। तो खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।